अफगान अफगान अफगान, हर तरफ अफगानों की ही बात हो रही है, हर तरफ उनकी ही तारीफ हो रही है, और हो भी क्यों ना। कमाल और उलटफेर ही ऐसा किया कि हर किसी की निगाह इस टीम पर जा टिकी है और हर कोई इसी की चर्चा कर रहा है। अफगानिस्तान के लिए वेस्ट इंडीज में खेला जा रहा ICC T20 वर्ल्ड कप ऐतिहासिक साबित हुआ है। अफगानिस्तान ने पहली बार सेमीफाइनल में जगह भी पक्की कर ली है। अफगानिस्तान की टीम ने सुपर 8 दौर में पहले ऑस्ट्रेलिया और फिर बांग्लादेश को हराकर बड़ा उलटफेर किया है। अफगानिस्तान की टीम ने सुपर 8 दौर में पहले ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को पटखनी दी और फिर बांग्लादेश को शिकस्त देकर शान के साथ अंतिम 4 टीमों में भी अपनी जगह बना ली। अफगानिस्तान की कामयाबी इस नजरिए से भी अहम हो जाती है कि 3 साल पहले इस मुल्क की सत्ता पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया था और उसके बाद से देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई थी। आम नागरिकों के लिए वहां के हालात बद से बदतर हो चुके थे और ऐसे में टीम की सफलता पर पूरा देश यहां खुशी से झूम उठा है। हो भी क्यों ना, कमाल ही ऐसा किया। एक जमाना था तब जब तालिबान ने अफगानिस्तान में सभी खेलों पर प्रतिबंध लगाया था, जो खेलता दिखता उसे गोली से उड़ा दिया जाता था। लेकिन साल 2000 में तालिबान ने क्रिकेट पर लगा ये प्रतिबंध खत्म किया। तालिबान को इस खेल में काफी दिलचस्पी नजर आई और मजा आने लगा। एक वक्त तो यह आ गया कि जब भी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम कोई बड़ा मैच या टूर्नामेंट खेलती तो उसे विश करने यानी मुबारकबाद देने में तालिबानी ही सबसे आगे रहते थे। और तो और, तालिबान के कब्जे वाले इलाके में भी क्रिकेट का रंग जम कर नजर आने लगा। टीवी से लेकर रेडियो तक पर क्रिकेट की खुमारी लोगों में नजर आती रही। हालांकि ये सफर इस कदर मुश्किल था जिसके बारे में अच्छी खासी फिल्म बनाई जा सकती है, क्योंकि जो खिलाड़ी आज अपना दम पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं, एक वक्त में वो शरणार्थी शिविर में रहने के लिए मजबूर थे। यानी कि ये बता रहा है कि क्रिकेट के लिए संघर्ष इनके लिए कितना बड़ा और मुश्किल था उस दौर में। अफगानिस्तान की टीम में कई ऐसे क्रिकेटर हैं जो देश में चल रहे गृह युद्ध के वक्त अपने माता पिता और परिवार के साथ पाकिस्तान में शरणार्थी शिविर में रह रहे थे और वहीं वक्त गुजारा। तब वो काफ़ी छोटे थे, लेकिन तब उन्होंने पाकिस्तानियों को क्रिकेट खेलते देखा तो उनकी भी इसमें दिलचस्पी बढ़ती चली गई। बाद में वो खुद भी क्रिकेट खेलने लगे, अपनी टीम भी बनाई, और कह सकते हैं कि खेल का असली नशा उन्हें पाकिस्तान के शरणार्थी कैंप्स में ही चढ़ा था। शुरुआत में तो तालिबान ने सभी खेलों पर प्रतिबंध लगाया हुआ था और उनका ये मानना था कि खेलों की वजह से व्यक्ति नमाज से दूर हो जाता है। बाद में तालिबान का क्रिकेट को लेकर रवैया थोड़ा सा नर्म होता चला गया। कारण ये भी माना जाता है कि इस खेल में खिलाड़ी पूरे कपड़े पहने होते हैं, दूसरा इसमें एक दूसरे को खिलाड़ी ज़्यादा छूते भी नहीं हैं, और इसी वजह से शायद ये हो सकता है। इसके बाद अफगानिस्तान में फिर से वो दौर आया, तालिबानी लड़ाकों ने अपनी बंदूक को ही क्रिकेट के लिए किनारे रख डाला। जब अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप 2019 के लिए क्वालिफाई करने का काम किया था तो उन्होंने पूरे देश को गोलियों से थर्रा दिया। हालांकि तालिबानियों का क्रिकेट में जीत पर खुशी जाहिर करने का ये अपना उनका तरीका रहा था। अब तो आलम यह है कि जब से अफगानिस्तान में क्रिकेट को लेकर दीवानगी बढ़ी है, वहां पर जगह जगह क्रिकेट एकेडमीज खुलने लगी हैं, बच्चे गांवों और शहरों में क्रिकेट खेलते हुए नजर भी आ जाते हैं। हालांकि अफगानिस्तान के मौजूदा हालात की वजह से विदेशी टीमें वहां खेलने नहीं जाती हैं, जो हालात वहां पर अभी भी बने हुए हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अफगान क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए बढ़ाने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने भी खूब मदद की, खूब सपोर्ट किया, और उसी की मदद से 2013 में अफगानिस्तान ICC का एसोसिएशन सदस्य बन पाया। इसके बाद अफगानिस्तान टीम को ICC की तरफ से फंड भी मिलने लगा। फाइनेंशियल सपोर्ट से लेकर अफगान क्रिकेट टीम का मनोबल बढ़ा और 2015 के वर्ल्ड कप में टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि उसी दौरान अफगान क्रिकेट और तालिबान में तनाव भी बढ़ता जा रहा था। भले ही तालिबान ने पुरुषों के क्रिकेट खेलने पर पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन टीम में कोई फंड नहीं दिया जा रहा था, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग सुविधा भी नहीं मिल पाती थी। लेकिन तब अफगान टीम के लिए BCCI आगे आई और अफगानिस्तान टीम को भारत में प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड भी BCCI के तरफ से मुहैया कराया गया। 2016 में नोएडा का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अफगानिस्तान का होम ग्राउंड ही बन गया। इससे अफगान क्रिकेट में काफी सुधार भी देखने को मिला था। 2017 में ग्रेटर नोएडा में आयरलैंड के खिलाफ घरेलू अंतर्राष्ट्रीय मैच भी उसने खेले और नतीजा ये रहा कि 2017 में अफगानिस्तान को टेस्ट टीम का भी दर्जा मिल गया। दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग IPL ने भी अफगान खिलाड़ियों को बड़ा मंच मुहैया कराया, मौका दिया। 2017 में स्पिनर बॉलर राशिद खान IPL में खेलने वाले पहले अफगान खिलाड़ी बन गए थे और इसके बाद
दूसरे खिलाड़ी जैसे मोहम्मद नबी, रहमानुल्ला गुरबाज, नवीन उल हक जैसे प्लेयर्स ने भी आईपीएल के अनुभव से वर्ल्ड क्रिकेट में शानदार परफॉर्म किया है। और अब जब टी20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बड़ा उलट फेर कर डाला है, इसके बाद बांग्लादेश से हुए मुकाबले में भी अपना दम दिखा दिया है, तो हर तरफ अफगान या अफगान छाए हुए हैं। हालांकि जिस ऑस्ट्रेलिया को अफगानों ने हराया, ये वही टीम है जिसने 2021 के बाद से 3 बार अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलने से ही इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। लेकिन अब अफगान टीम अपनी ताकत और हिम्मत का लोहा पूरी दुनिया के सामने बता चुकी है, जता चुकी है, और ऐसे में साउथ अफ्रीका से होने वाले अगले मुकाबले में नतीजा चाहे जो भी हो, वर्ल्ड क्रिकेट के नजरिए से देखा जाए तो आने वाले वक्त में एशिया से ही एक और चैंपियन टीम तैयार हो रही है और कप उठाती हुई आने वाले वक्त में नजर आ सकती है।